ब्रह्म कुमारी संस्था के इतिहास पर बनी एनिमेशन फिल्म द लाइट का शुभारंभ दुर्ग के तरुण एडलेब्स में किया गया, जिसमें सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा रविवार को दुर्ग के तरुण एडलेब्स में द लाइट फिल्म का शुभारंभ किया गया। यहाँ बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार के कुशल व सृजनात्मक ढंग से बनी इस एनिमेशन फिल्म ने महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ी ब्रह्म कुमारी संस्था के इतिहास को एक कहानी के रूप में बताया। इसमें संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से सुप्रीम लाइट परम ज्योति निराकार शिव परमात्मा के द्वारा पूरे मानवता की नैतिक व आध्यात्मिक चारित्रिक उत्थान को दर्शाया गया है। मार्च से अप्रैल तक भारत के विभिन्न सिनेमा घरों में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद मई माह में यह मूवी पूरे भारत में आधिकारिक रूप में रिलीज होगी। द लाइट फिल्म जब हमने देखी तो हमें कमाल लगी उन प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की और हमारे गॉडलीवुड टीम की, कि जिन्होंने एनिमेशन के द्वारा 1936 की घटनाओं को पूरा भाव और भावनाओं सहित इतने अच्छे से दर्शाया है कि उनकी कमाल है। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और जैसा कि ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियाँ, जिन्होंने अपनी त्याग, तपस्या और साहस से आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, ये सबको प्रेरणा देने वाला है। और यह फिल्म परमात्म प्रत्यक्षता में बहुत बड़ी भूमिका अपनी निश्चित अदा कर रही है और करती रहेगी। और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी के बारे में कई लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती है। अभी तक तो काफ़ी दूर हो चुकी है, पर फिर भी कुछ भ्रांतियाँ अभी भी लोगों में नज़र आती है। तो ऐसा लगता है कि इस फिल्म को देखने से वो सारी भ्रांतियाँ निश्चित ही दूर हो जाएंगी। तो इस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए बनाने वालों ने बहुत अच्छे से इसको बनाया है। पूरी टीम का धन्यवाद। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ी इस एनिमेशन फिल्म को देखने के बाद लोगों ने काफ़ी सराहा और कहा कि जो भी लोगों के बीच गलत भ्रांतियां फैलाई गई है वो सब इस फिल्म में साफ दर्शाया गया है। आज मूवी देखने के लिए सिंधी समाज से बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा भानु प्रताप सिंह, वन संरक्षक रायपुर खेमराज मध्यानी, ब्रह्म कुमारी रीटा बहन, संचालिका ब्रह्म कुमारी दुर्ग, ब्रह्म कुमारी रूपाली बहन, ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा बहन एवं अन्य गणमान्य नागरिक शामिल रहे। द लाइट फिल्म यानी आप देखिए एनिमेशन के द्वारा 1936 की घटनाओं को और उसकी भावों को, भावनाओं को इतना स्पष्ट रीति बताना, ये उसके डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की और साथ ही साथ गॉडलीवुड टीम की बहुत बड़ी कमाल है। और हमने देखा कि जैसे हमारी पिताश्री ब्रह्मा बाबा और हमारी आदरणीय दादियाँ, उनके त्याग को, दृढ़ता को, साहस को इतना अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि जो हर एक को बिल्कुल दिल को छूने वाला है और प्रेरणा देने वाला है। और आज हमारे ब्रह्मा बाबा और दादियों ने जिस तरह संस्थान को यहाँ तक पहुँचाया, जो हमने फिल्म के द्वारा भी बहुत स्पष्ट रीति देखा और समझा, तो ये सबको प्रेरणा देने वाला है। और ये फिल्म निश्चित ही परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अब ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति जो कईयों की भ्रांतियां होती है, वो भ्रांतियां निश्चित इस फिल्म के माध्यम से दूर हो सकेंगी। ओम शांति। आज जैसे 4 दिन पहले हमारे यहाँ दीदी लोग आई थी निमंत्रण देने, तो उस टाइम ऐसा नहीं लगा कि ऐसी कोई पिक्चर होगी या कोई पिक्चर, एक्चुअल में ये पिक्चर नहीं, एक संदेश है, लोगों को ज्ञान देने का संदेश है। ब्रह्मा बाबा जी जो मतलब ज्ञान दे रहे हैं, और सिंध तो वैसे भी जो सिंध की धरती है वहाँ तो वैसे ही संत महात्मा, साधु संत, ऋषि मुनियों ने बहुत सारे उन्हें ज्ञान का वो किया है अपने अपने तरीके से। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी जो ब्रह्मा बाबा हैं वो भी बहुत अच्छे से मतलब ज्ञान के भंडार रहे और अमृत वर्षा बरसा रहे, उन्हीं को चलते ही सारी दीदियाँ बहुत अच्छे से हर जगह देश विदेश में आज मतलब हर जगह आश्रम है। द लाइट पिक्चर में ब्रह्मा बाबा की पूरी जर्नी को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। उन्होंने शुरुआत में उनके ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा के बारे में उनका ध्यान, इसको हम सब तक उन्होंने पहुंचाया है। और उनके जो साथ में अम्मा थी, दादी थी, उन लोगों के शुरुआती चरण में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने बहुत संघर्ष किया इन सबको आम जनता तक पहुंचाने के लिए और उनके सबका भला करने के लिए, परोपकार के लिए।
और इंसानियत को सबसे ऊपर रखने के लिए, हर धर्म से ऊपर उठ करके उनका प्रयास सबके सामने है, सराहनीय है। और पूरे देश विदेश में आज ब्रह्मा कुमारीज एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको तमाम अवार्ड्स मिले हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी इनका स्थान है और सबसे ज़्यादा इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। द लाइट फिल्म का मूल ये है, इसमें जो पिक्चर बड़े प्रभावशाली ढंग से ब्रह्मा कुमार संस्थान के प्रारंभिक चरण से लेके अब तक जो भी संघर्ष करके लोग आगे बढ़े हैं और जिस तरह से समाज सेवा में जुड़े हैं उसको बड़े प्रभावशाली ढंग से वर्णित किया है। और विशेषकर से ब्रह्मा बाबा का जो चरित्र है वो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब सारे दुनिया के सारे वैभव को छोड़ के वो ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने के बाद किस तरह से संघर्ष करते हुए इस संस्था को आगे बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण, विशेषकर से महिला सशक्तिकरण और वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारे धर्मों को एक सूत्र में पिरो दी, जो उन्होंने एक काम शुरुआत की और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसी को इसमें दर्शाया गया है। शांति, ये फिल्म का नाम है दी लाइट। ये संस्था के जो फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं उनके पूरे त्याग और कुर्बानी के ऊपर फिल्म बनी है कि ब्रह्मा बाबा के सामने इतनी समस्याएं आई, स्ट्रगल हुआ लेकिन खुशी खुशी से सहन किया। तो ये फिल्म हमको प्रेरणा दे रही है कि हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आई लेकिन भगवान पे निश्चय कभी कम नहीं होता है। ओम शांति। ये पूरे भारत के हर स्टेट में, हर जिले में हो रहा है। 1 मार्च से लेकर लगभग 2 महीने में पूरे भारत के हर नागरिक को ये फिल्म दिखाने का ब्रह्मा कुमारी का टारगेट है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।